मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 3 तारीख को मंडी पहुंचेंगे और सलापड़ में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का भव्य स्वागत किया जाएगा। वहीं मंडी शहर के लोगों को भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से बहुत सी उम्मीदें हैं, क्योंकि वह अपने इस दौरे के दौरान मंडी जिला को विकास की सौगातें देंगे, क्योंकि यह मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का गृह जिला है। लोगों ने मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर अपनी अपनी राय प्रकट की है। तो कम पहली तो प्रियॉरिटी होगी लोगों की कि सड़कें ठीक हो और होनी भी चाहिए, क्योंकि जिस इलाके का चीफ मिनिस्टर है वो सड़कों की तरफ ध्यान देगा ही देगा। बाकी आम डेवलपमेंट भी अब पैसे का रोना रोकते हैं, अब पेंशन करे तो दूसरे काम भी आराम से चल पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमने ने ये उम्मीद रखी हुई है भाई, ये मेरे ख्याल में सारे ही जो है ना डेवलपमेंट के क्षेत्र उनमें ठीक काम करेगा और उसकी टीम भी ईमानदार है और ईमानदारी से काम करेगी। सबसे पहले मंडी की जनता ये चाहेगी कि जो हर साल बिजली पानी के बिलों में 10% हाइक होती है वो इमीडिएटली भी ड्रा की जाए, और उसके ऊपर 5% सीवरेज के चार्जेज एक्स्ट्रा होते हैं, यानी कि टोटल जो है 15% चार्जेज एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं हर साल। कभी कुछ साल पहले 4 रुपये प्रति 1000 लीटर पानी का रेट था, आज वो 13 रुपये प्रति 1000 लीटर तेल हो चुका है उसका रेट। तो हम तो यही चाहते हैं कि सबसे पहले इससे हमें रिलीफ मिलना चाहिए। दूसरी बात ऐसी है कि अगर मुख्यमंत्री महाराज यहाँ आते हैं तो हमें बड़ी खुशी होगी, वो हमारा अपना बच्चा है, सराज मंडी में कुछ नहीं है, वो हमारे अपने बच्चे हैं, उनसे हमें बहुत उम्मीदें हैं। उम्मीदें हो चाहे ना, परंतु हमें खुशी इस बात की है कि मंडी से चीफ मिनिस्टर पहली बार जो है इलेक्ट होकर जो है हमारी सेवा के लिए जो है मंडी आ रहा है। देखिए, सबसे पहले तो हमें इस बात की खुशी है कि आज़ादी के बाद पहली बार जो है इस जिला से मुख्यमंत्री बने हैं, तो उम्मीदें तो बहुत ज़्यादा हैं। जैसे पानी की समस्या है, बिजली 24 घंटे नहीं आती, कट लगा रहता है, और इसके साथ साथ बाज़ार की हालत आप देख रहे हैं, सड़कों की हालत आप देख रहे हैं, सड़कें कच्ची हैं, गड्ढे पड़े हुए हैं, कहीं पैचिंग वर्क करते हैं हर जगह। तो हमारी तो ये उम्मीद रहेगी कि मुख्यमंत्री महोदय यहाँ पधारेंगे तो हम तो स्वागत करेंगे ही करेंगे उनका, लेकिन ये इस उम्मीद के साथ कि शहर की सड़कें जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। इसके साथ ही साथ जो शहर में जो हाउस टैक्स लगाया जा रहा है कमेटी की तरफ से, इतना ज़्यादा हाउस टैक्स कहीं नहीं है, तो ये भी हमारी उम्मीद रहेगी कि कम से कम एक उसको रिकंसीडर किया जाए, रिकंसीडर करते हुए सिमिलरिटी लाई जाए कि सारी जगह एक बराबर जो है हाउस टैक्स लगे प्रदेश में। एक तो लगे ना लगे तो बराबर, एक तो ऐसा है कि लोगों ने कोई कर्ज लेके कोई लोन लेके मकान बनाए हैं और अपनी जगह पर बनाए हैं, पर उसके ऊपर भी मकान का खर्चा कितना आता है आजकल आपको पता है, जब वो मकान खड़ा करता है तो उसके ऊपर भी टैक्स जो लगाया जाता है वो तो उस बेसिकल कीमत जो है मकान की उससे भी ज़्यादा बढ़ रहा है कई जगह। तो ये हम तो ये आशा करते हैं कि मुख्यमंत्री महोदय इसके ऊपर खास तवज्जो देंगे और इसे बिल्कुल सही ढंग से लाया जाएगा ताकि किसी को ये चुभे ना। और सभी लोगों ने उनका स्वागत किया है, कई साल आने का मंडी में उतारने का स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि नई सरकार अनएम्प्लॉयमेंट जो शहरी अनएम्प्लॉयमेंट है उसके लिए कोई पॉलिसी भी बनाएगी पढ़े लिखे बच्चों के लिए, और हम आशा ये भी करते हैं कि जैसे सिवरेज चार्जेस हमारे साथियों ने कही बात, इसके ऊपर विचार करें और आने वाले समय में भविष्य में जैसे 5-5 गीगा पिछली सरकार ने नाजायज कब्जे बहाल कर दिए थे, तो छोटे छोटे लोगों ने घर बनाया, तो विश्व एक पहाड़ी इलाका है, अपना पैसा हमारी सारी ज़मीनें चली गई,
लैंड रिफॉर्म एक्ट में छोटे छोटे घर बनाया है, उनको रेगुलेशन जो पॉलिसी है उसको भी लागू किया लाया जाए और लागू किया जाए।